तो यहां पर एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरह से तमाम मतदान केंद्रों से अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ग्रामीण मतदान करने के लिए जा नहीं रहे, मतलब जो उत्साह मतदाता के अंदर होना चाहिए लोकतंत्र के महापर्व के दिन, उस तरह का उत्साह नहीं है, तो ये किस तरह का संकेत माना जाए? घातक संकेत है। और अब की बार इस चुनाव में ऐसा ये कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कालपी विधानसभा वगैरह में, ये बात यहाँ पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ पे है राजनेता यानी पॉलिटिकल पार्टियां और जो वोटर होते हैं ये उनके बीच का मामला है। वोटरों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उनके आश्वासन के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उनके लोकल नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उनके मैंडेट पे कोई भरोसा नहीं रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ये देखेंगे तो एक तरीके से ये बोला जाए क्या मतदाताओं का भरोसा संविधान के ऊपर से उठ रहा है, क्योंकि संविधान को इंप्लीमेंट करना इन पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं का काम है, विकास वगैरह का। और अगर 20-20 साल से किसी गांव की शिकायत है कि उनके यहाँ कोई नेता आया नहीं, वोट देने के बाद भी इन्होंने विकास नहीं किया, ये तो अक्षम्य अपराध है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि ठीक है प्रशासन जा रहा है, मुझे पता नहीं आचार संहिता के क्या नियम है, यहाँ पर तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों के शीर्ष नेताओं को जाना चाहिए ताकि वोटर का विश्वास लोकतंत्र में और वोटिंग सिस्टम में रहे, चुनाव में उनका विश्वास रहे। ये बताता है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरा करके जिस चीज के लिए वो किसी को चुनते हैं वो उसी चीज की जो है मतलब उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है अपने विधानसभा सीट में, ये सबसे गंभीर मामला है और सारी पार्टियों के लिए ये छूछू करने वाली बात है। आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और गांव के लोग जो है किसी भी पार्टी के ऊपर आप लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा अविश्वास पार्टियों के ऊपर और पार्टियों के कान पे झूं तक नहीं रेंग रही है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, ये उनको आईना दिखाने के लिए गांव वालों ने ये काम किया है। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, जी आ रहा हूं आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। एके मिश्रा जी, देखिए ये तीसरे फेज का मतदान हो रहा है, पहले जो शुरुआती दो फेसेस थे उसमें जिस तरीके से अगर हम देखें तो पहले फेज में लगातार किसान और जाट बहुल आबादी वाले क्षेत्र थे, दूसरे में मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र थे, और तीसरे में देखिए तमाम यादव बहुल आबादी वाले क्षेत्र। किस तरीके से आपको अलग लगता है ये तीसरा फेज? नहीं, अलग नहीं लगता है। देखिए इसमें सबसे खास बात यह है 2017 में जो चुनाव हुआ था, चाहे मुस्लिम आबादी रही हो, किसान और जाट बहुल वाली आबादी रही हो, भाजपा से वो कन्विंस थे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो भाजपा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकते थे। अच्छा, अब की बार क्या लग रहा है कि जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं, शिफ्टिंग वोटर का मतलब कि जो नए लोग आते हैं, जो पिछली बार नए लोग भाजपा में जुड़े थे वही लोग अब क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप इनको ये बोलिए कि जो नए वोटर पिछली बार जुड़े थे वो लोग अब जुड़ करके वो शायद यहाँ पे अलग हो जाए, ये चुनौती भाजपा को यहाँ पे दिख रही है, इसीलिए भाजपा के तरफ से क्वेश्चन भी उठ रहा है। ठीक है, आपने विकास किया, सारी चीजें की जो भाजपा बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गैप ऐसा लग रहा है कि या तो लोगों की वोटरों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा थी, आपने अपनी अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बताया था, या फिर जो भी था वो आप उतना उनको कन्विंस नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए ये एक गैप दिख रहा है। इसी के कारण बीजेपी जो है अब की बार थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण हो गया है चुनाव, अगर आप सारे माहौल को देखिए, और इसका फायदा विपक्ष को मिल रहा है, विपक्ष में ज्यादा उत्साह इसलिए लग रहा है कि उनको अब की बार सिचुएशन कुछ फेवरेबल लग रही है। नो मैटर सरकार किसी की भी बने, कोई हारे जीते हुए एक दूसरी चीज है, उस पर जब आप बात करेंगे तो हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन ये इतना जरूर है कि बीजेपी को अब की बार चुनौती कठिन मिल रही है। बोल रहे की चुनौतीपूर्ण हो गया है माहौल, ऐसे में जो यादव वोट बैंक है क्या इसका मुकाबला करना भी अब भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण समझे? केवल यादव वोट बैंक का भी नहीं है, अगर आप सारे सेट को देखेंगे, जैसे मुस्लिम हो गया, आप किसी भी पैरामीटर पे वोट बैंक को डिवाइड कर दीजिए तो हर उसमें जो है चुनौती आई हुई है। इवन आप अगर ये भी देखिए, चाहे सपा हो या बसपा हो, हर पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज रहते हैं, उतनी गर्मजोशी मुझे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से 2017 में मैदान में सेनाएं उतरी थी, एक एक पैदल सैनिक जिस हिसाब से था, आला कमान की भी अगर हम बात करें तो आला कमान भी उतना एक्टिव मुझे नहीं दिख रहा है। इसके पीछे और सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन और है कि सारी पार्टियां या स्पेशली बीजेपी भी कहीं ना कहीं से ये समझ रही है कि चुनाव अब की बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, उतना आसान नहीं है जितना 2017 में था। कृष्ण मोहन पांडे जी, जवाब दीजिए। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, हाँ बताइए जी, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे?
देखिए मैं ये बता रहा था जो फर्क यहाँ पे अब की बार नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियों ने चुनौती दी है, जो चुनौती उत्पन्न हुई है वो बीजेपी के स्वयं के कारणों से चुनौती उत्पन्न हुई है, और चुनौती जो दे रही है वो जनता दे रही है। डिससेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन जनता में होता है, साथ देना या चुनौती देना जो है वो जनता का काम होता है, पोलिटिकल पार्टियां तो उसको केवल यूज करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी अपेक्षा भाजपा ने पैदा की थी, जितना कमिटमेंट भाजपा ने किया था, शायद उसमें कहीं ना कहीं गैप रह गया है। रीजन चाहे जो रहा हो, जानबूझ के रहा हो, कोई ऐसी आपदा आ गई हो, जो भी चीजें हो, मैं ये देख रहा हूं कि जनता डेफिनेटली अब की बार सवाल पूछ रही है भाजपा से। वो वोट किसी को भी दे, हो सकता है भाजपा को ही वोट दे, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है, और इस डिससेटिस्फेक्शन के कारण जो प्रेशर बन रहा है वो भाजपा में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के नेताओं में भी दिख रहा है। नो डाउट हो सकता है इलेक्शन ये जीत जाए, सरकार इनकी बन जाए, वो एक डिफरेंट चीज है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो मैं देखता हूँ 300 प्लस की जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, जो घोषणा की है, और बहुत गंभीर तरीके से इन्होंने घोषणा की थी कि हम इतना आएंगे, तो मुझे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं दिख रही है सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गरिमा को, अपनी साख को बचा के रखना, जो पिछली बार परफॉर्म किया या उससे बेहतर, उसमें बढ़ोतरी करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि जिसके कारण मुझे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा प्रेशर में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी, देखिए जिस तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी साथ आ चुकी है, परिवार एक हो चुका है, यह संदेश लगातार दिया जा रहा है। ऐसे में परिवार एक साथ आ जाने के बाद से किस तरह का समीकरण बदल सकता है, क्या लगता है आपको? जी एक सेकंड पांडे जी, एक सेकंड मिश्रा जी, जिस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना और अपनी अपनी बात को लेकर काफी ज्यादा एक जिद्दी रवैया भी है तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी, क्या सच में इस चुनाव के बीच में जब आपने मुद्दों को लगातार देखा होगा 5 से 6 महीने में, उनका कलेवर भी बदला, उनका रंग भी बदला, उनके तेवर भी बदल गए तमाम मुद्दों के, तो क्या मुद्दों को समझने में, जनता के मन को भांपने में हर किसी ने बिल्कुल सही फॉर्मूला अपनाया है, या कहीं ना कहीं जनता के मन को टटोलने में कुछ चूक हुई है? चूक हुई है, और चूक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हुई है। देखिए सत्ता पक्ष बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत आश्वस्त था, लेकिन वो उतना आश्वस्त जो है जनता नहीं दिख रही है, जो मुझे लग रहा है ग्राउंड लेवल पे, और जो खबरें आ रही है कुछ न कुछ उसमें डिडक्शन हुआ है। दूसरी चीज, विपक्ष ने कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कि किसी चीज को उन्होंने मुद्दा बना दिया। मुद्दा जो बना है अच्छी बार, वो जनता ने खुद ही मुद्दा बनाया है, जनता की जो अपनी समस्याएं हैं उसके बारे में वो सवाल पूछ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं विपक्ष से कि आप क्या ये डिलीवर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए पक्ष के लिए ये एक नुकसानदायक चीज है, विपक्ष इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मुद्दा बनाने में, विपक्ष तो बस केवल मजे लेकर के उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। जनता के भीतर जो भी असंतोष आया है, सही बात देखिए अन्न वितरण की मैं बात कर रहा था, तो इसमें तो कोई दोहराय नहीं है, जिस तरीके से कोरोना और ये सब था, विपक्ष क्या ये बोलना चाहती थी कि अन्न वितरण करके कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया? अन्न वितरण तो मैं बोलता हूँ सरकार किसी की भी हो, गरीब लोग जो हो उनको तो पहुंचना ही चाहिए, कम से कम पेट भरने के लिए तो आदमी यहाँ से निश्चिंत हो। हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन है कि सबको फ्री में खाना खिलाया जा सकता है जो अपने देश के नागरिक है। आपदा काल में अगर अन्न का वितरण हुआ तो ये भाजपा ने कोई गलत काम नहीं किया है, इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप दूसरे जो मुद्दे पूछ रहे हैं वो मुद्दे वाजिब है कि नहीं है, वो डिबेट करें। एक मिश्रा जी, अगर हम मुद्दों की ही बात करें तो आपको क्या लगता है, कई पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे उठाती हैं, क्या लगता है आपको कि जो ये मुद्दे हैं ये हावी रहेंगे, या फिर जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको सोचकर लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पे, मुद्दे कौन से हावी रहने वाले हैं? देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर लहर की बात करें तो जो यूनिवर्सल मुद्दे होते हैं राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी, उसके कारण लहर क्रिएट होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब की बार कोई लहर जो है क्रिएट नहीं कर पाया है, न पक्ष न विपक्ष। अब की बार सारा का सारा जो गेम है ना वो वोटरों के पाले में है, इंडिविजुअल वोटर का जो सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन है वही चुनाव को डिसाइड करेगा। रही बात लोकल मुद्दे, कई जगह लोकल मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने सुबह सुबह बताया कि एक जगह गांव वाले वोट नहीं दे रहे हैं, वहां पे उनके लोकल चैलेंजेस इतने हैं कि उनके लिए राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी मुद्दे गौण हो जाते हैं, वो इतनी बुरी तरीके से समस्या में घिरे रहते हैं कि उनको तुरंत निदान उस समस्या का चाहिए, यही कारण है कि वो वोट देने नहीं जा रहे हैं।
कृष्णमोहन पांडे जी, जिस तरह से एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि लोकल मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और देखिए कई बार ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में बात हो जाती है, कभी पाकिस्तान की बात हो जाती है, कभी सरकार की उन उपलब्धियों की बात होती है जो कि विश्व मंच पर है। ठीक है, मुद्दों की बात होती है और राष्ट्र की भावना सर्वोपरि होती है, राष्ट्र को लेकर भी हर कोई समर्पित रहना चाहता है, अपनी देशभक्ति को साबित करना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि जिन मुद्दों को जनता ने सामने रखा उसको भुनाने के लिए दूसरी पार्टियां भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, आपको इससे कोई नुकसान की आशंका तो नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पर जाकर, जमीन स्तर पर जाकर लोगों से मिलती है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 वर्ष तक जनता के बीच में जाकर उनसे समस्याओं को सुनते हैं, उनके मुद्दों को सुनते हैं, और जो स्तर तक प्रयास होता है प्राथमिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और जो सामाजिक स्तर पर होता है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, और जो अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में आगे करने का प्रयास किया है, अपने जो घोषणा पत्र हमने किए उसका 92% 2 लाख कोरोना होने के बावजूद भी 92% योजना को पूर्ण किया है, तो सामाजिक मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे जो भी रहे हैं वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर व्यक्तिगत स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूर्ण किया है, और इसलिए ये मुद्दे जो है अब गौर हो गए हैं, और सारा लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोच कर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को समान लाने। ठीक है, देखिए एके मिश्रा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मुद्दों की ही, ऐसे में सुबह हमारे सहयोगी औरैया से जुड़े हुए थे, उन्होंने बात करी लोगों से, उनमें एक महिला वोटर थी, वो कह रहे थे कि हम आरक्षण के मुद्दों पर वोट देंगे, ऐसे में आपको क्या लगता है लोकल मुद्दों के अलावा जो आरक्षण का मुद्दा है वो कितना हावी रह सकता है? औरैया की बात ये है, देखिए आरक्षण का मुद्दा एक बहुत पुराना मुद्दा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में, वोटरों के मन में अपनी जगह बना के बैठा हुआ है, और ये केवल एक मुद्दा न बन के ये एक समस्या बन गई है, जिनको आरक्षण नहीं मिला है वो असंतुष्ट रहते हैं। खैर अब की बार आरक्षण का मुद्दा उतना लहर नहीं बन पाया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी आरक्षण का मुद्दा लहर था जिसके कारण सरकारें बदली थी, हो सकता है कभी ऐसा समय आया कि आरक्षण को हटाने का एक मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन जाए, राज्यव्यापी मुद्दा बन जाए, और सरकार उस पर जो है उस पर डिसाइड की जाए कि सरकार किसकी बनेगी, यानी मैंडेट में जो आरक्षण हटाने की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक आरक्षण कोई इतना मेन स्ट्रीम मुद्दा नहीं बन पाया है कि उसी के भरोसे जो है पूरी की पूरी वोटिंग होगी, सरकार बनेगी या हारेगी ये डिसाइड किया जाएगा। और जो महिला के आरक्षण के सहारे इस बार कांग्रेस मैदान में कूदी है उसको देखकर क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस ने जो अपनी पोजीशनिंग की है ना, उन्होंने चुनाव के हिसाब से नहीं की है, मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के जैसे कैंपेन सोशल या एनजीओ वगैरह चलाते रहते हैं, तो इनका कैंपेन केवल फोकस हो गया महिलाओं के ऊपर, यानी ऐसा लग रहा था कि ये चुनावी मुद्दा ना होकर के कोई सोशल अभियान चल रहा है, कोई एनजीओ चला रही है, तो उसको तो मैं ये मानता हूँ, देखिए राहुल गांधी और कोई नेता कांग्रेस से आए नहीं, केवल प्रियंका गांधी जी ही आई है यहाँ पे, तो मैं इसको प्रियंका गांधी की अपनी लॉन्चिंग मानूंगा कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रही थी क्योंकि वो महिला है, मैं इसको चुनावी कैंपेन मानूंगा ही नहीं, इसका जो इंप्रेशन जा रहा था वो एक सोशल मुहिम, सामाजिक मुहिम की तरह जा रहा था कि हमें महिलाओं को जो है बराबरी दिलाना है, सशक्तिकरण करना है, तो यह राजनीतिक प्रचार तो था ही नहीं, हालांकि इन्होंने किया राजनीतिक प्रचार, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन गया, एक टर्म होता है पोजिशनिंग, वो बहुत गलत हो गया था। अगर राजनीतिक प्रचार रहता तो बहुत सारे मुद्दे रहते वहां पे, एक मेन लीडिंग मुद्दा होता, लेकिन इनके महिलाओं के जो है 40% 50% सीट देने के सिवा और कोई इनका मुद्दा ही नहीं था, अगर वो मुद्दे थे तो बोर्ड ने कभी कभी चर्चा कर दिया, इनके सारे एडवर्टीजमेंट इनके यही दिखाते थे महिला सशक्तिकरण के, तो ये एक जबरदस्त मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुआ है कांग्रेस की तरफ से चुनाव में पोजिशनिंग को लेकर। लेकिन मिश्रा जी, महिलाओं को साइलेंट वोटर्स भी कहते हैं, तो क्या लगता है आपको इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए साइलेंट वोटर कहने का मतलब ये है कि ठीक है महिलाएं उतना एक्टिव होकर बात नहीं करती हैं, थोड़ा सा लोक लाज लिहाज में रहती हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महिलाओं के अंदर भी काफी समझ है, और स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए वो आज अपने तरफ से भी डिसाइड करती है, क्योंकि टीवी और ये सब सूचना के माध्यम, मोबाइल वगैरह हर हाथ में है, तो कौन सी महिला किस जो है मुद्दे को प्रीफर करती है ये उनकी इंडिपेंडेंट सोच होगी, और उसके ऊपर एक जो लहर चलती है या फैमिली जिस तरफ जा रही है वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, तो किसी भी चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है, और कोई बहुत बड़ी रिसर्च किसी ने अभी तक की नहीं है कि 2-4-6 लाख का सैंपल साइज लेकर के महिलाओं को देखा जाए,
यही है कि जो महिलाएं बाहर आ रही है वोट देते जो डिक्लेयर कर रही है कि हमने किसको वोट दिया, उसी के बेसिस पे सारे ओपिनियन या डिसीजन बनाए जा सकते। मिश्रा जी जी आप अपना सवाल फिर से दोहराइए। मिश्रा जी देखिए, सवाल ये था अपराध को लेकर जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ता बात कर रहे हैं, हम कन्नौज विधानसभा सीट की बात कर रहे थे। कन्नौज विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया जिनकी जो छवि है वो काफी साफ सुथरी है, तो इससे संकेत किस तरह से दे सकते हैं बीजेपी? देखिए, प्रदेश में अगर अपराध के नियंत्रण की बात की जाए तो मैं पर्सनली इससे कन्विंस हूँ कि बीजेपी के शासनकाल में अपराध पे काफी नियंत्रण हुआ है और अपराधियों के मन में एक भय की भावना है। मैं बेलाज मतलब बिना किसी रोक टोक के इसको मैं बोलूंगा जी। लेकिन चूंकि प्रदेश इतना बड़ा है या भारत देश इतना बड़ा है, अपराध रोकना केवल सरकार या पुलिस के बस का नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई भी है। एक एक परिवार को इसमें प्रयास करना चाहिए कि उनके बच्चे अपराधी न बने। एक तो सामाजिक ग्रूमिंग होती है ना, जो कल्चर की ग्रूमिंग होती है। बहुत कुछ अपराध के मामले में जो है बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धियां पाई है। 100% अपराध मुक्त होना चाहिए प्रदेश, जीरो टॉलरेंस देश और प्रदेश में होना चाहिए। और बहुत अच्छा काम अपराध को जो है रोकने के मामले में बीजेपी सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी जितना काम किया है उससे भी ज्यादा काम करना बाकी है। इतने बड़े तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना, उनके पास वो सुविधाएं देना, कम्युनिकेशन की सुविधाएं पुलिस को देना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये लोग डाटा वगैरह देते हैं कि भाई अपराध देखो पहले कम था, किसी नेशनल जो तो है उस डाटा बैंक से उठा के अब बढ़ गया है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि पहले अपराध होते थे लोगों को पता ही नहीं चलते थे, वो उतना जो है तजवीज वगैरह नहीं थी। अब ऑनलाइन जो है डिटेलिंग की जाती है, तो मैं इसको भी एक अच्छी चीज मानता हूँ कि एटलीस्ट अपराध निकल करके सरकार के संज्ञान में आ रहे हैं और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। इसी प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है और जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए स्ट्रीट में होने वाले जो अपराध है माइक्रो लेवल पे, जैसे किसी महिला की चैन छीन ली जाती है, पर्स छीन ली जाता है, पॉकेट वो होता है, छेड़खानी होती है, इस पे अब गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। संगठित अपराध की तो कमर इन्होंने तोड़ी है, लेकिन जो गलियों में दिन दहाड़े अपराध होते हैं छोटे मोटे, उसके लिए भी इनको चाक चौबंद जो है करना पड़ेगा जो है। और मैं समझता हूँ कि चलिए सरकार अगर कोई भी हो, अगर वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो सूनर और लेटर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बीजेपी ने ये उदाहरण करके दिखाया है यूपी में। ये आपने एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर उठाई कि संगठित अपराध की कमर तो तोड़ी गई है, जो असंगठित अपराध लगातार होता आया है उस पर भी वार करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, इसमें भी दो पक्ष है। एक पक्ष ये कहता है कि हमने सुशासन दिया है, हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, लेकिन दूसरा पक्ष इसमें ये बार बार बोल रहा है कि जो भी आपने कार्रवाई की है वो आपकी सिलेक्टिव है, कि आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो कि आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। तो इस तरह में फिर जो एक कल्पना की जाती है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, तो ये संभव कैसे? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई बार मैं बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन सवाल यह है जो अच्छे काम हुए हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। और सबसे बड़ी चुनौती पूरे भारत में मैं बोलता हूं लॉ एंड ऑर्डर की रही है हमेशा। आप ये देखिए, 38 लोगों को फांसी दी गई है, अगर उनके नाम देख लिए जाए तो समाज शास्त्रियों के लिए, जेएनयू के प्रोफेसर के लिए, जो लिबरल गैंग है उनके लिए ये सबसे बड़ा शोध का विषय है कि 38 के जो नाम में क्या समानता है। सारे लोग एक ही जाति, एक ही बिरादरी, धर्म के हैं, जिनको फांसी दी गई, जो बम ब्लास्ट में थे। मैंने इसीलिए बोला अपराध को रोकना सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार ने बहुत इफेक्टिव काम किया है, लेकिन समाज शास्त्रियों की, समाज की भी जिम्मेदारी है। एक परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी करे कि वो चाहे कुछ भी कर ले, भूखा पेट हो जाए, लेकिन अपराध की तरफ वो ना जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो अपराध की तरह नहीं गए, वो भूखे पेट सो गए। और यहाँ केवल ग्लैमर के लिए, वोट के लिए लोग अपराधों की तरफ जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला सरकार को अब माइक्रो लेवल पे जा करके कि सोशल रिफॉर्म क्या करने चाहिए, ताकि अपराधी किसी फैमिली में कोई बच्चा अपराधी बने ही ना। जो स्ट्रीट पे अपराध हो रहे हैं छोटे मोटे, जो चैन की चुनौती होती है, मंगलसूत्र की चुनौती होती है, जनता के अंदर 100% सेफ्टी की भावना तभी आएगी जब एक सिंगल कॉल पे किसी की भी कॉल गई कि भाई मेरी चैन जो है छीन ली जो है, और तुरंत उस पर एक्शन हो। ज्यादातर अभी भी इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, रजिस्टर करके फिर उसको ढूंढा नहीं जाता है।
मैं पराकाष्ठा तब मानूंगा कि किसी का मोबाइल अगर गायब हो जाए बस में सड़क पे और वो मोबाइल दो दिन के भीतर ढूंढ करके उसको वापस लौटा दिया जाए। कम से कम इस लेवल पे तो कंप्रोमाइज सरकार को नहीं करना चाहिए। किसी की भी सरकार है मैं बोलूंगा कि अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस रखिए। किसी की भी कोई चीज छिनती है, माइक्रो लेवल के अपराध की बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से बहुत जरूरी बातें इस चर्चा से निकल कर सामने आई, और ये भी बात सामने आई कि जब भी कोई कार्य हो वो राजनीति से ऊपर उठकर हो और हर एक व्यक्ति को एक इकाई मानकर तमाम सुधार किए जाने चाहिए। तमाम